नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है उन्नति कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो आग लगने पर कुआं खोदने के लिए चल दिए हैं। इन शॉर्ट, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एडमिट कार्ड हाथ में आ चुका है, सेंटर हमको पता है, एग्ज़ाम डेट हमारे सामने है। अब क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें, क्या नंबर आएगा या फिर नहीं, ये तमाम सवालों के साथ जो स्टूडेंट इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की तैयारी तो हो जाएगी, लेकिन शायद वो निखार ना आ पाए जो वो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जो साल भर तक कंटिन्यू रेगुलर 5 से 6 घंटे स्टडी डेली कर रहा है। उसके नंबर में और आपके नंबर में फ़र्क होगा, कुछ ना कुछ तो फ़र्क होना भी चाहिए, क्योंकि उसने दिन रात एक करी है और हमने क्वेश्चन मार्क क्या करा वो आप जानते हैं। मैं आपको ये काउंट नहीं कराने वाला कि आपने मेहनत नहीं करी वगैरह वगैरह, आप काफ़ी पढ़ाई में कमज़ोर थे या फिर आपने लापरवाही दिखाई, मैं ऐसा आज कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए, कभी कभी कंडीशन होती है कि बच्चे जॉब करते हैं, फाइनेंशियल बहुत वीक होते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, ये सब भी रीज़न होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एग्ज़ाम तो सामने है लेकिन कब पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या फिर आपने कौन सा एग्ज़ाम फिल करा था जिसका एडमिट कार्ड आपके सामने है। अगर उसमें GS आनी है तो GS के लिए आपको सबसे पहले अपना करना पड़ेगा बेस स्ट्रॉन्ग। तो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब तो पॉसिबल है नहीं कि एक महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, अब आप कोई सी भी एक लूसेंट बुक जो GK की आती है उसको लेके बैठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। आपने मैथ भी देखना है, रीजनिंग देखनी है, इंग्लिश देखना है और GS भी देखनी है, चार सब्जेक्ट एक महीने में कैसे कवर होंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला केवल यही है कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पर आप फोकस करें। तो यही एक छोटा सा प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से, काफ़ी सारे पार्ट्स हमने अपलोड करे इस चैनल पर, यह है बुक घटना चक्र। और इस बुक में केवल वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो SSC के द्वारा प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। और आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको लूसेंट का ऑडियो फाइल मिलेगी, तमाम सभी सब्जेक्ट की ऑडियो फाइल है और वीडियो फाइल भी है, आप वीडियो फाइल को भी देख सकते हैं, वहाँ से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन 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 ये कि अगर आपके पास टाइम अच्छा है तो ही आप वीडियो को वॉच करना, लूसेंट वीडियो को। अगर टाइम कम है तो सबसे पहले आप घटना चक्र की प्लेलिस्ट में जाइए और इसमें कम से कम 30 से 35 वीडियो आपको मिलेंगे, वो सभी वीडियो आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए और फोकस करिए केवल प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस पे, चाहे वो मैथ के क्वेश्चंस हों, चाहे वो रीजनिंग के या फिर इंग्लिश के या फिर GS के, लेकिन मैं केवल डिस्कस कर रहा हूँ GS के बारे में और ये बुक है केवल GS की। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। और एक कंडीशन और कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब अभी मत करिएगा, इस वीडियो के बाद आप डिसाइड करिएगा कि ये चैनल आपके लिए कितना यूज़फुल है। अगर यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, अगर ना हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब मत करिएगा। दोनों कंडीशंस आपके सामने हैं, अब आपको डिसाइड करना है क्या आपके लिए अच्छा है, क्या अच्छा आपके लिए नहीं है। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। देखिए, बात करेंगे हम लोग इसमें कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, ये होगा पार्ट 4, मतलब भूगोल का ये पार्ट 4 होगा। इससे पिछले भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस करे हैं लेकिन आज हम केवल बात करेंगे खेती के बारे में, कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस SSC के द्वारा अब तक पूछे गए हैं, चाहे वो MTS का एग्जाम हो, चाहे वो CGL का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो या फिर अन्य कोई भी परीक्षा आपकी क्यों ना आने वाली हो, उन सब के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के कि खाद्य फसलों में ये शामिल है, क्या शामिल है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है खाद्यान्न, दालें एवं खाद्य तिलहन। देखिए, खाद्य फसलों में दालें, खाद्य तिलहन, मक्का, गेहूँ, चावल, आलू और चुकंदर, जो आदि ये कैटेगरी होती है, ये सभी क्या होती है, ये सभी कहलाती है खाद्य फसलें। याद रखिएगा, खाद्य फसलें कौन कौन सी होती हैं, दालें, खाद्य तिलहन, मक्का, गेहूं, चावल और चुकंदर आदि, ये सभी क्या है, ये सभी होती हैं आपकी खाद्य फसलें। राइट, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 2। IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म हैं, IR20 और रत्ना धान की प्रमुख किस्में कौन सी हैं, ये है धान की। रत्ना जो है धान है, IR20 एक धान है,
जब हम कभी एग्जाम में बैठते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, तो हमारा मैक्सिमम जो होता है गैस हमारी जो लगता है वो लगता है गेहूं पर, बट ऐसा नहीं है, ये है धान। याद रखिएगा ये क्या है, धान। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, झूम खेती अभी भी कहाँ प्रचलित है। झूम खेती जो है, जिसको बोलते झूम, झूम खेती जो है, कृषि जो है, अभी तक मिजोरम में है, नागालैंड में और मणिपुर में देखने को मिलती है। ये पूछा गया है क्वेश्चन स्टेनोग्राफर 2014 में और एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, खेती की जूम विधि का व्यवहार हुआ करता है क्या नागालैंड में, और एक्चुअली झूम क्या है। झूम एक्चुअली क्या है, एक लोक डांस है, नृत्य है। आपसे ये बोलेगा, बी में बोल रहा है एक नदी का नाम है। झूम जो है एक नदी का नाम जो है वो भी नहीं है। तो झूम जो है कृषि का एक प्रकार है, एक खेती होती है और उसके माध्यम से कृषि करी जाती है। तो झूम क्या है, झूम एक कृषि का प्रकार है, आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है, चाय, कॉफी और रबड़। ये जो है आपकी रोपण फसलें हैं, लेकिन ईख जो है वो रोपण फसलों में नहीं आता है। याद रखिएगा रोपण फसलें कौन सी है, आप ये याद रखिए, चाय, कॉफी और रबड़, और कौन सी नहीं है, यह है ईख। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है। गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है, जो हम अभी गेहूं खा रहे हैं, जो हम आटा खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, रोटी कैसे बनती है, आटे से, आटा कैसे बनता है, गेहूं से। तो गेहूं की कौन सी कैटेगरी, कौन सी किस्म की जातियां अभी जो है खेती करी जा रही है, वो है आपकी ब्रेड गेहूं। याद रखिएगा ब्रेड गेहूं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है किस चीज का, तिलहन का। आप याद रखिएगा मैक्सिमम जो विशालतम उत्पादक होता है वो होता है तिलहन का, और दालें भी मैक्सिमम जो पाई जाती हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी होगी आपकी वो होगी तिलहन की। अगर तिलहन नहीं होगा आपके ऑप्शन में तो आपको चूज करके आना है सी, दाल। देखिए अब बात करते हैं, देखिए कपास कहाँ मिलता है, मैक्सिमम कितना परसेंट इसका उत्पादन है, ये एक छोटी सी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। लेकिन मैं बढ़ूंगा आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, सोपान कृषि कहाँ की जाती है। ये की जाती है पहाड़ों के ढलान पर। सोपान कृषि कहाँ पे करी जाती है, तो ये करी जाती है पहाड़ों के ढलान पर, आप याद रखिएगा। और आपको मैं एक बात बस केवल और कहना चाहूंगा कि आप अदर ऑप्शंस जो दिए गए हैं बी सी डी, इस पर फोकस मत करना, आप केवल फोकस करिए क्वेश्चंस पर, और उसके डायरेक्ट जो राइट आंसर दिया गया उस पर फोकस करिए, उसको पेन डाउन करिए, उसको नोट करिए अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आता है तो पेन डाउन मत करिए, क्योंकि ज्यादा विकल्प होने से डाउट अपने अंदर सस्पेंस बनने के बहुत ज्यादा संभावना होती है, इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है अगर ज्यादा ऑप्शन देखता है तो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मार्केट में जाते हैं, आपको पता है कि एक आपको शर्ट परचेज करनी है लाइनिंग वाली, ठीक है, आपका इंटरव्यू है, लाइनिंग वाला आपको शर्ट पहननी है और आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए। अब आप सिंपल शॉपिंग करते हैं, जो दुकानदार था उसने आपको कम से कम 15-20 शर्ट दिखा दी। अब आपके पास अगर सिंपल 15-20 शर्ट दिखा दी तो आपके अंदर एक कन्फ्यूजन बन गई कि ये लाइनिंग वाली सभी हैं, अब मैं कौन सी लूँ, मुझे ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, तो मैं कौन सी लूँ। तो इस तरह का माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ज्यादा ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको लिया मार्केट का, अगर आपके पास पहले से ही डिसाइड हो कि यार इंटरव्यू के लिए आपको बोला गया है आपके पास ब्लू लाइनिंग वाली शर्ट होनी चाहिए, तो कॉमन सी बात है आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको ब्लू लाइनिंग वाली शर्ट मिल जाएगी मार्केट में, केवल एक से दो मिलेगी बस, कोई सी भी आप लेके आ जाएंगे। जब ज्यादा विकल्प होते हैं तब कन्फ्यूजन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो प्लीज विकल्प कम से कम देखिए, केवल विकल्प देखिए जो राइट आंसर हो वो। क्वेश्चन नंबर 10, उस खाद्य फसल का नाम बताएं जो भारत में सबसे अधिक उपजती है, मतलब सबसे अधिक पैदावार किसकी होती है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास डाउट होगा ऑप्शन ए और डी पर, तो इसका राइट आंसर है चावल। चावल की उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है। हम कहते हैं कि हम रोटी खाते हैं सुबह और रात, दिन में तो हम लोग मैक्सिमम चावल ही खाते हैं, ठीक है, तो शायद गेहूं का उत्पादन ज्यादा ज्यादा होता होगा, बट ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है चावल का, याद रखिएगा चावल का। और चावल और गेहूं में डिफरेंस कितना है वो आप देख लीजिए, चावल जो होता है 10.1
106.65 और गेहूं का है 95%। आप देख लीजिए मिलियन टन, 106 मिलियन टन और 95 मिलियन टन, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन मिलियन टन में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए पहला जो मैक्सिमम उत्पादकता होती है वो होती है चावल की। अगर चावल ना दिया हो, कोई और फसल दी गई हो आपको या और कोई खाद्य फसल दी गई हो, तो आपको याद रखना है, फिर आएगा आपका आंसर गेहूँ। फर्स्ट नंबर पर चावल और सेकेंड नंबर पर गेहूँ। और इसी तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस खाद्य फसल का नाम बताओ जो भारत में सबसे अधिक पैदा होती है, ठीक है। तो वहां पे आपको चावल अगर नहीं भी देता है तो आपको दोनों की कंडीशंस याद रखनी है, नंबर वन और नंबर टू पर कौन है। और फिर वो कैसे भी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम जवाब दे देंगे। अब देखिए, भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है, जो फसल जो घेरती है क्षेत्र के हिसाब से वो होता है आपका चावल। क्यों? क्योंकि जिसकी पैदावार ज्यादा होगी वही ज्यादा स्थान लेगी, जगह लेगी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा? चावल। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताइए। कर्नाटक। कर्नाटक के लोगों को कॉफी काफी पसंद होती है, कॉफी बहुत पीते हैं। कहाँ के लोग? कर्नाटक। तो आपको याद रखना है इसी तरह से कि भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन कहाँ पे होता है, ये होता है कर्नाटक में, राइट। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के निर्यात मद के रूप में कौन सी मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है, वो है सूखी लाल मिर्च। मैक्सिमम जो होती है सूखी लाल मिर्च का क्या होता है, निर्यात होता है, दूसरे देशों में भेजी जाती है। क्वेश्चन नंबर, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 14, जिसको बोलते हैं जायद। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है कौन सी? तरबूज। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्वर्ती मतलब जायद फसल है प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, फोकस करना है आपको, नहीं किया जाता, क्योंकि एग्जाम में नहीं है से संबंधित एक ना क्वेश्चन पूछता है। और बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, नहीं यहाँ पे गौर नहीं करते, सिंपल समझते हैं कि उत्पादन खरीफ के मौसम है, चलो ठीक है लगा के अपना आ जाते हैं। नहीं पर भी आपको गौर करना है, तो इस चीज को लेकर के काफी बच्चे गलती करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब देखिए कौन सी नहीं है, ये है जौ और सरसों। जौ और सरसों क्या है, खरीफ के मौसम में नहीं उगती है। आगे बात करते हैं, देखिए निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है। देखिए रबी फसल कौन कौन सी है, गेहूं, जौ और रेपसीड। ये सब क्या है, रेपसीड। तो ये सब क्या है, ये आपकी रबी फसल है, बात कर रहा नहीं है कि, तो आपको राइट आंसर आ गया ना जूट। तो जूट जो है खरीफ की फसल है, ना कि रबी की फसल। क्वेश्चन नंबर 18, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, यह है राजस्थान। सरसों का तेल, सरसों के बीज, राजस्थान के लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने में हो चाहे वो सर के बालों में हो। याद रखिएगा, अभी बात करी थी मैंने, किसकी बात करी थी आपसे, अभी बात करी थी मैंने कुछ टाइम पहले कि कॉफी, कॉफी सबसे ज्यादा कौन लोग पीते हैं, कर्नाटक के लोग सबसे ज्यादा कॉफी पीते हैं। देखिए मैं केवल आपको एक एग्जांपल के तौर पे बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि कर्नाटक के लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं, केवल आपको याद हो जाए इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में कर्नाटक के लोग सबसे ज्यादा कॉफी पीते हैं, और बात करी जाए सरसों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा लोग कौन करते हैं, राजस्थान के लोग, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे रेगिस्तान है, राजस्थान में मिट्टी मिट्टी उड़ती है, स्किन काफी सुस्त हो जाती है, तो वो स्किन पे क्या लगाते हैं अपने, सरसों का तेल, ऐसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, पठार की स्थलाकृति आदर्श है, यूजफुल है, और क्यों है पठार की स्थलाकृति आदर्श है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे खनन के लिए काफी सारी जो खनिज है यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अब थोड़ा सा हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफी अच्छा टॉपिक है और आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं। देखिए पठार सामान्यतः खनिजों के भंडार होते हैं, खनिज की पर्याप्तता तथा खनन के लिए इसकी स्थलाकृति के आदर्श होने के कारण ही पठारों पर खनन कार्य होता है। पठार वानिकी के लिए भी आदर्श होते हैं, लेकिन यह पठारी क्षेत्र के जलवायु पर निर्भर करता है। आगे बात करते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, वहां निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है। जहां पे अगर 200 सेंटीमीटर की अगर वर्षा होगी तो वहां पे कौन सी खेती को हम उपजा सकते हैं, कौन सी खेती का हम उसमें फसल लगा सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा चाय। चाय के लिए मैक्सिमम क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है, 200 सेंटीमीटर की इसमें अगर वर्षा होगी तो चाय का उत्पादन बहुत ही बहुत अधिक होगा।
आगे बात करते हैं 21 की ओर। 21 जो क्वेश्चंस है हमारा डाउटफुल क्वेश्चंस है। एसएससी के द्वारा 2014 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था 10+2 में, लेकिन इसका राइट आंसर क्या था, एसएससी डिपार्टमेंट खुद भी कंफ्यूज था। एग्जाम लेने के बाद में ये डिसाइड हुआ कि सब बच्चों को एक एक नंबर इसका दिया जाएगा अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करा होगा तो। अगर अटैम्प्ट करा है, क्वेश्चन गलत है बच्चे का, लेकिन फिर भी उसको एक नंबर मिलेगा। अगर अटैम्प्ट करके नहीं आते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं कि भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। अब देखिए उत्पादक है और निर्यातक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसने दिया कपास, तांबा, चाय और अभ्रक। देखिए मैक्सिमम जो हमको पाया जाता है यहाँ बोला इसने अभ्रक हमारे देश में सबसे ज्यादा मिलता है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। देखिए चलिए अब आपको क्लियर हो जाएगा पढ़ने में। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 और 15 में भारत कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पे था, कपास में पहली पोजीशंस में था। वैसे तो मैक्सिमम मिलता है अभ्रक और, लेकिन उत्पादन मतलब जो उगाया जाता है वो उगाया जाता है आपका कपास। अभ्रक की कोई खेती नहीं होती है। अभ्रक एक मतलब एक सिंपल, आप देखिए अभ्रक बोलते हैं, आपने देखा भी होगा जो प्रेस वगैरह करते हैं ना, तो प्रेस के अंदर चमकीली सी लेयर निकलती है, वो होता है अभ्रक। तो यहाँ पे जो है 2014 और 15 में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था, प्रथम स्थान पे था। और इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन आपको और बताना चाहूंगा, कपास कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है, ये उगता है आपका काली मिट्टी में। कपास का काला, का फॉर कपास, का फॉर काला, ठीक है, याद रखिएगा कपास मतलब काली मिट्टी में उगता है। अभी थोड़ा सा और पढ़ते देखिए, भारत की इस अवधि में 6.51 मिलियन टन उत्पादन के लिए के साथ चीन को पीछे किया। पहले क्या था, चीन था, लेकिन अब इसने भारत ने चीन को भी पीछे कर दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चीन है, और तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चीली है, और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, चीन है। देखिए अभ्रक जो मैक्सिमम है भारत में मिलता है, ठीक है, लेकिन क्या हो गया अब थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, ये बात कर रहा है आंकड़ों की उस टाइम की, लेकिन अभी जो कंडीशन चल रही है राइट नाउ सबसे ज्यादा जो उत्पादक होता है वो होता है भारत में अभ्रक का। लेकिन पूरे अगर पूरे उसकी बात करी जाए वर्ल्ड की, तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चीन, ये आप देख रहे हैं चीन, ठीक है, 2015 में ये स्टेटस था। और बात करी जाए देखिए सबसे बड़ा चाय का उत्पादक कौन है, ये है चीन, चीन में मैक्सिमम चाय बनती है, चाय मतलब जो हम चाय पीते हैं वो नहीं, चाय पत्ती। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता, यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई चाय नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है, बात कर रहा है रबड़ का उत्पादन, ये होता है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में, याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है, नकदी फसल जो होती है वो होती है प्याज, याद रखिएगा प्याज को भारत में नकदी फसल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बागान कृषि पैदा करती है क्या, खाद्येतर फसलें, याद रखिए क्या करती हैं, खाद्येतर फसलें। क्वेश्चन नंबर 26 कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है लगभग कितना, ये आपका 70%, कितना परसेंट है, 70%। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है, ये करता है उत्तर प्रदेश। लेकिन वैसे जो मैक्सिमम उत्पादन होता है वो होता है चावल का, अभी हमने देखा था। हमको आगे तो बढ़ना है बच्चों, ध्यान रखना आगे हमको बढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, लेकिन पिछला भी हमको याद रखना है, ऐसा नहीं कि आगे बढ़े और पिछला भूलते गए, आगे भी बढ़ना है और पिछले को भी समेट के रखना है, उसे स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, यह पश्चिम बंगाल, और भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी कौन है, यह है बांग्लादेश, याद रखिएगा जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है, यह है बांग्लादेश। और भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है, सबसे ज्यादा जूट कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है पश्चिम बंगाल में। और सेकंड नंबर पे देखिए आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सभी आपको याद रखने हैं। एग्जाम में देखिए कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है, अगर पश्चिम बंगाल आपको ऑप्शन में नहीं देगा तब आप क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आओगे ना एग्जाम में, आपने इतनी मेहनत करी, पूरी घटना चक्र पढ़ ली आपने अच्छे से, फिर आप ये क्वेश्चन छोड़ के आते हो, केवल आपको ये नहीं पता कि सेकंड नंबर पे क्या है। अगर आपको असम, बिहार, उड़ीसा या फिर अन्य आपको स्टेट देता है, आपको बोलता दिल्ली,
ठीक है। अब दिल्ली आपको पता है कि नहीं है, लेकिन सेकंड नंबर पे अगर आपको पता है कि हाँ सेकंड नंबर पे बिहार था, तो आप आंसर क्या लगा के आएंगे? तब आप आंसर लगाएंगे बिहार, अगर आपको पश्चिम बंगाल ना दिया हो तब। पहले नंबर पे तो पश्चिम बंगाल है, ये तो राइट है, हमको पता है कि पश्चिम बंगाल है। अगर पश्चिम बंगाल नहीं देगा तो क्या करेंगे हम लोग? तब हम लगा के आएंगे अपना आंसर बिहार। अगर पश्चिम बंगाल बिहार दोनों में से कोई ना हो तो हम क्या लगा के आएंगे? असम। अगर पश्चिम बंगाल बिहार असम में से कोई ना हो तो हम क्या लगा के आएंगे? उड़ीसा। तो ये जो है आपका पूरा कंप्लीट, ये जो आपकी टेबल है ये आपको याद रखनी है। इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट करिए, अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए अभी हैंड टू हैंड, और ये याद आपको करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा, इसी को बोलते हैं थोड़ी सी डीप स्टडी। अब टाइम कम है मैं मानता हूँ, और थोड़ा बहुत तो टाइम आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? यह है पहला, दूध के स्थान पे, मतलब कि दूध के उत्पादन में सबसे पहला जो स्थान है भारत का वो क्या है? पहला नंबर वन रैंक पर भारत आता है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तारपीन का तेल जो मिलता है वो मिलता है चीड़ के पेड़ से। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? मसाला लौंग, दालचीनी और हल्दी, हमें क्या होती है? ये मसाला है, ये जो हमको मिलता है जड़ों से प्राप्त होता है। हरित क्रांति का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया था प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 डैश के बाद, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इसमें हमको कुछ फिल करना है, के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषकर क्या गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई? ये हुई 1966 के बाद, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि होनी स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा है? नो, नहीं, नेवर, नहीं का यूज करा गया है। तो दोबारा से अपनी आंखें ढंग से खोल लो, क्योंकि नहीं का प्रयोग करा गया है। और थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। गारंटित अधिकतम दाम, क्वेश्चन नंबर 37 की हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही कहां पर, किस क्षेत्र पर रही, कौन सी स्टेट में रही? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये पूरी 100% सफल रही। बाकी स्टेट में ज्यादा ये सफल नहीं रही, क्योंकि वहां की जो जलवायु थी अलग थी, वहां की भूमि का जो उत्पादकता जो थी, फर्टाइल कितनी उपजाऊ थी, वो अलग मैटर था। लेकिन मैक्सिमम जो सफल रही, सक्सेस रही, कारगर रही, वो रही आपकी पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। ये तीनों स्टेट का नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कि भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। इसमें सबसे पहले मैं इसकी डिटेल को भी आपसे कहूंगा कि आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। चलिए आप पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, ठीक है। हरित क्रांति के अंतर्गत उच्च पैदावार वाला कार्यक्रम था क्या क्या? सबसे पहले गेहूं की पैदावार अधिक हुई, फिर सेकंड नंबर पे इम्पैक्ट पड़ा चावल पर, फिर बाजरा पर, फिर मक्का पे, फिर ज्वार जैसी फसलों पर लागू किया गया, ठीक है। ये मेन फसलें थी जिसपे हरित क्रांति इम्प्लीमेंट हुई, लागू हुई, कि हमको इसी फसल पे ज्यादा फोकस करना है। परंतु गेहूं में सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त की, गेहूं की फसल उस टाइम में सबसे अधिक हुई थी। याद रखना कि हरित क्रांति कौन सी फसल के लिए मतलब वरदानी सिद्ध हुई। कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है वरदानी सिद्ध कौन सी फसल के लिए हरित क्रांति हुई, उसका नाम बताइए। आपको चार ऑप्शन देगा, चावल, गेहूं, दालें और गन्ना। तो आपको याद रखना है गेहूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। देखिए हरित क्रांति का जो संबंध था वो इन सभी फसलों से था जो हमने देखा भी ऊपर, ठीक है। लेकिन सबसे अगर चारों ऑप्शंस में से चारों दे रखा हो तो आप ये नहीं लगा के आएंगे कि क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा गेहूं पर, तो आपको गेहूं ही आंसर अपना राइट लगा के आना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर कि 40 कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या था? इसका नाम था बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। देखिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की कि HYV एक कार्यक्रम था, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में क्या करा गया, या फिर HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है, इसका एक अन्य नाम भी है, मतलब नव कृषि नीति। और HYV की फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्डिंग वैराइटीज को भारत में नव कृषि नीति अथवा हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि HYV कार्यक्रम
को भारत में किस नाम से जाना जाता है? आपको श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पारंपरिक क्रांति, या आपको दे सकता है एग्जाम में हरित क्रांति। तो आपको याद रखना है नव कृषि नीति या हरित क्रांति, दोनों का ही अर्थ सेम है, बल्कि HYV कार्यक्रम, नव कृषि नीति और आपका हरित क्रांति, तीनों का अर्थ बिल्कुल सेम है, तीनों ही आपको याद रखने हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? याद रखिएगा, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश को। और भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? देखिए दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, चीनी का कटोरा और धान का कटोरा किसको कहते हैं? चीनी का कटोरा बोलते हैं उत्तर प्रदेश को और धान का कटोरा बोलते हैं आंध्र प्रदेश को। आगे बात करते हैं, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो यह है आपका वृष्टि। और ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? यह है दुग्ध उत्पादन से। और देखिए इससे संबंधित इसके जो फेज थे, इसके जो स्टेज थी, वो थी टोटल तीन। तीन स्टेज में इसको डिवाइड करा गया ऑपरेशन फ्लड को। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, हमने ये अभी जाना कि दुग्ध उत्पादन से। लेकिन बात करते हैं हम लोग कि ये कौन कौन सी स्टेज थी। 1970 से 80, 81 से 85 और 85 से 96, ये तीन स्टेज थी। इन तीनों स्टेज को आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है दुग्ध उत्पादन से, अभी हमने देखा। और भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है कितना? 60 से 70%, 60 to 70%। क्वेश्चन नंबर 48 की, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? यह है 60%। और क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, नीली क्रांति जिसको बोलते हैं ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है किससे? मछली उत्पादन से। ब्लू, ब्लू का मतलब क्या होता है? पानी। पानी कैसा होता है? नीला, ठीक है, आपने सुना होगा वो नीला पानी, नीला पानी, नीला पानी। तो नीला पानी मतलब पानी में क्या होती है? मछली। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। और आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, पित्त क्रांति इसको बोलते हैं, मतलब कि येलो क्रांति, पीली क्रांति और तिलन के उत्पादन से संबंधित है। एक होती है आपकी ब्लैक क्रांति। ब्लैक क्रांति जो संबंधित होती है वो आप याद रखिएगा पेट्रोलियम से संबंधित है। और काफ़ी सारी क्रांति हैं वो किस चीज़ से संबंधित होती है, इससे संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें सभी क्रांति मैंने कवर करी थी कि कौन सी क्रांति किस लिए होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा अगर आपका क्रांति में इंटरेस्ट है। तो देखिए आपको क्या पसंद है, SSC डिपार्टमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि SSC को क्या पसंद है, SSC को क्या टॉपिक अच्छा लगता है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा जॉब के लिए। तो सबसे मैं पहली बात यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी पसंद और नापसंद को साइड रखिए कुछ टाइम के लिए, और फोकस करिए अपनी स्टडी पर और देखिए सिलेबस को, SSC का सिलेबस क्या कहता है आपको। ठीक है एक्टिव पैसिव अच्छे नहीं लगते, आपको मैथ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैथ अच्छा है, एक्टिव पैसिव अच्छे, GS आपको ना पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्रांति को याद करिए, अगर आपका लूसेंट बुक है उसमें क्रांति सभी दी है, आप उसको देख सकते हैं, या फिर आप लूसेंट की वीडियो की प्लेलिस्ट को इस चैनल पे देख सकते हैं, या फिर जो क्रांति से संबंधित एक वीडियो बनाया था आप उसको वॉच कर सकते हैं। अगर आपका टाइम बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं ठान रखी है पढ़ने की आपने, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको सभी क्रांति गूगल पे मिल जाएगी, आप वहां से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट ये है कि पढ़िए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जल वायवी क्षेत्र हैं? ये हैं टोटल 127। आप याद रखिए कितने हैं, 127। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, बेमेल मतलब ऑड, अलग गलत युग्मों को पहचानिए। चाय असम में होती है, बिल्कुल सही है। नारियल केरल में पाया जाता है मैक्सिमम, बिल्कुल सही है। गन्ना उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। और मूंगफली जो है बिहार में, ये बिल्कुल गलत है। चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है असम है, मूंगफली का जो उत्पादक राज्य है वो है गुजरात, ठीक है। मोदी जी कहाँ के थे, गुजरात के पूर्व CM थे, चीफ मिनिस्टर थे। और मोदी जी को पसंद क्या है, मूंगफली, आप याद रखिए मोदी जी मूंगफली बहुत खाते हैं। तो बस ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ, बस आप रियल में समझे मत बैठना कि मूंगफली मोदी जी बहुत खाते हैं, तो ऐसा नहीं है, बस आपको याद करवाने के माध्यम से मैंने ऐसा बोला। और क्वेश्चन नंबर 53 है कि बीटी बीज का संबंध क्या है, यह है कपास से। बीटी बीज का संबंध किससे है, चावल, गेहूं, कपास या फिर तिलहन से? तो इसका राइट आंसर होगा कपास। क्वेश्चन नंबर 54 है, सामाजिक वानिकी है क्या? सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्याख्या करना।
क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है किसकी? ईख की, याद रखिएगा ईख की। और सेकंड नंबर पे जो आता है खेती जो होती है वो होती है धान की, थर्ड नंबर पे कपास और फोर्थ नंबर पे गेहूं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो यह है तमिलनाडु। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? यह है दक्कन के पठार में। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? वो है आपका तिरुचिरापल्ली। क्या? तिरुचिरापल्ली। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें करना है सही उत्तर चुनना है हमको, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर चुनने से पहले मैं आपको डायरेक्ट लेके जाऊंगा इस लिस्ट की ओर जो मैं कर रहा हूँ हाईलाइट। अब आपको साफ दिखाई देगा, देखिए अब पढ़ने में आपको आराम से आएगा। देखिए चाय जो होती है मैक्सिमम इसका उत्पादक होता है असम में, और गन्ने का होता है आपका उत्तर प्रदेश में, मूंगफली मैक्सिमम गुजरात में। जैसा कि अभी हमने देखा था मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को क्या है, मूंगफली काफ़ी पसंद है, इसका मैंने एग्जांपल दिया था। और सेब का उत्पादक होता है सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में, वर्तमान में जो कहाँ पर है, जम्मू एवं कश्मीर में। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में वन लाइनर जीके के बारे में कि भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ पर है? यह है सूरतगढ़ में स्थित है, और हापुस आम का मूल जो स्थान है वो है रत्नागिरी, कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। और भारत में कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपकी एप्पल के लिए, सेब के लिए। और तमिलनाडु राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है, कौन सा राज्य है गेहूं की खेती नहीं करता है? आपको याद रखना है तमिलनाडु। चाय की खेती में काट झाट अनिवार्य अंग होता है, काट झाट मतलब उसकी पत्ते को ढंग से काटा जाता है बार बार, उसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, चाय की जो खेती होती है उसकी देख रेख एक्चुअली बहुत ज़्यादा होती है, तो चाय की खेती में काट झाट अनिवार्य इसका एक अंग होता है। और चाय की खेती मुख्यतः कहाँ पर होती है? पहाड़ी ढलानों पर होती है, और असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान है। आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा चाय के बागान कहाँ पर हैं? ये हैं असम में। और भारत ने दक्षिण अमेरिका से सीखकर टैपियोका अनानास की खेती करना शुरू किया था, ये पूछा गया आपका सीजीएल 2002 के एग्जाम में। और भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से अधिकतम चावल की खेती की जाती है, कहाँ पर चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है? भारत में। और भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर खेती की किस्म जो होती है, कौन सी कॉफ़ी की जो प्रजाति है जाती है उगाई जाती है, तो वो उगाई जाती है अरेबिका। जो आप कॉफ़ी पीते हैं वो कौन सी कैटेगरी होती है, कौन सी किस्म होती है? ये होती है अरेबिका। जैसे आप लोग कभी आम खाते हैं ना, आम दशहरी आम होता है, लंगड़ा आम होता है, तो ये आम की कैटेगरी होती है, किस्म होती है। तो उसी प्रकार एक कॉफ़ी की भी किस्म होती है, उसको बोलते हैं अरेबिका। ये मैक्सिमम क्या होती है, अधिकतर यहाँ पे भारत में उगाई जाती है। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चाय है, और चना रबी की फसल है, जबकि मूँगफली कपास और पटसन कौन सी है, खरीफ की फसलें हैं। मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, आप देख रहे होंगे खरीफ की फसल। आगे हम बात करते हैं, दक्षिणी पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, और सैतूत कीट पालन में कर्नाटक राज्य अग्रणीय है। भारत में खरीफ फसल मौसम मई जून में शुरू होता है, जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं। पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मिजोरम में से आंध्र प्रदेश में अधिक निवल क्षेत्र में बुआई की जाती है। भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाली प्रधान अन्न कौन सी है? चावल है। और भारत में प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादन केरल राज्य में होता है, सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वो होता है केरल में। और रबड़, रबड़ नकदी फसल है, याद रखिएगा रबड़ किस प्रकार की फसलें हैं, रबड़ जो है वो है आपकी नकदी फसल में आती है। सुपारी, आम, यूकेलिप्टस तथा नारियल में से यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला पौधा कौन सा होता है, एग्जाम में ये पूछता है, तो आपको याद रखना है क्या, यूकेलिप्टस। आगे बात करते हैं हम लोग, भारत में गेहूं की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देखिए यहाँ से ये पूछता है कि भारत में कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में उसकी बुआई होती है, बोई जाती है, लेकिन
वो काटी जाती है अप्रैल में, मतलब इसको पूरा साल भर 6 महीने नहीं चाहिए, अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाएगा और अप्रैल में इसको काट दिया जाएगा। तो वो कौन सी फसल है, वो है आपकी गेहूं की फसल। तो आप याद रखिएगा कौन से मंथ में ये बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और काटी कब जाती है, और काटी जाती है ये अप्रैल के मंथ में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि केवल एमटीएस के एग्जाम में ये पूछा गया है, और एमटीएस काफी ज्यादा हाई लेवल का एग्जाम नहीं है आपका, सीजल का, सीजल जैसा लेवल का एग्जाम नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का। पूछे कैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, डरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए भारत में तंबाकू उत्पादन में फर्स्ट जो पोजीशंस में है वो है गुजरात राज्य, वर्तमान में कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। पहले ये गुजरात का भाग था लेकिन अब क्या है, आंध्र प्रदेश में है सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन। अब बात करते हैं हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, और उसमें कौन सी फसल की उत्पादन था सबसे अधिक हुई थी, वो हुई थी गेहूं की। आप याद रखिएगा गेहूं पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ा था। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, भारत तथा मॉरिशस में से भारत चीनी का प्रमुख उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा और भारत तथा मॉरिशस में से एग्जाम में पूछेगा कौन सा चीनी का प्रमुख उत्पादक देश है, तो वो है क्या, भारत। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है, और सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, क्योंकि वहां पे गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। बच्चों आज के इस वीडियो में कृषि से संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करे, जैसा कि आपने देखा हमने 60 से अधिक क्वेश्चन डिस्कस करे होंगे, हाँ 60 क्वेश्चन हमने, 59 हमने क्वेश्चन डिस्कस करे, और 19 जीके के क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, और ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए थे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अब क्लोज करने के बाद में आप एक बार हो सके तो इस सेम वीडियो को और एक बार और प्ले करना और अपने नोट्स बनाना, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो, अगर नोट्स बनाए हैं आपने तो बहुत अच्छी बात है, तो इसको आप दोबारा वॉच मत करना, केवल नोट्स को आप रिवाइज करिए अपने, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास डाटा बहुत कम होगा, नेट का स्पेस बहुत कम होगा आपके पास में, तो बार बार प्ले करेंगे तो आपका डाटा खर्च होगा। अगर फ्री वाईफाई है आपके पास में, डाटा की कोई कमी नहीं है, तो आप दो बार इस वीडियो को वॉच करिए, दूसरी बार में आप अपने नोट्स को उससे एक बार वेरीफाई करना जो आपने लिखा है, कि आपने सही लिखा है, तो वो वेरीफाई करना। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज़ जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपको भी आगे बढ़ना है और औरों को भी आगे लेके चलना है। आप ये मत सोचिए कि यार मेरा फ्रेंड मुझसे आगे निकल जाएगा, ऐसी भावना से आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस केवल इस भावना से पढ़ना है कि मुझको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है। अगर आप इस भावना से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले आप जाइए घटना चक्र की प्लेलिस्ट में, वहाँ के सभी वीडियो आप देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना है। अगर आपका ये आपके लिए ये चैनल यूज़फुल है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में उसके बगल में, उसके साइड में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक आप ज़रूर करिएगा। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको जब कभी भी इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होगा, जब कभी का मतलब ये नहीं कि दो दिन बाद होगा, यहाँ पे डेली आपको 2 से 3 वीडियो मिलते हैं, उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।